वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं आया हूँ पर अपनी पोन वाली मछलियों के पास। हो गए इनको हम फूड डालेंगे। फूड डालने के बाद गाइस हम नीचे जाने वाले हैं क्योंकि गाइस हमारे जो चाइना डब है उनके लिए गाइस हम न्यू पिज्जा लेकर आए हैं, तो उनके अंदर हम अपनी चाइना डब डालेंगे। तो अभी गाइस फिलहाल हम इनको दाना डालते हैं जो इनका पोन है, इनके अंदर हम बहुत पानी डालेंगे क्योंकि गाइस ये धूप की वजह से ना पानी थोड़ा कम हो गया। मैं आपको अभी दिखाता हूँ गाइज हमारी मछलियाँ और इसका पानी गाइज यहाँ तक था और अभी तो बहुत कम हो गया। इसके अंदर गाइज हम और पानी डाल लेंगे। फिलहाल गाइज हमने पानी तो चला दिया है, अभी ये क्या नाम है हमारा फोन भर जाए तो हम तब तक इंतजार कर लेते हैं। A few moments later फोन हमारा भर चुका है। अभी गाइज हम पौधों को थोड़ा पानी दे देंगे, पानी को भी जरूरत है पौधों को थोड़ा पानी देंगे क्योंकि इससे पानी बाहर आना शुरू होता है इतना पानी मेरे हिसाब से ठीक है। और गाइज हम अपने ये फोन है ना इसको थोड़ा साफ कर लेंगे, मिट्टी इसके ऊपर ज़्यादा ही आ चुकी है और ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। थोड़ा इसको हम साफ कर लेंगे, बहुत दिन हो गए गाइस मैं इसको साफ नहीं कर रहा हूँ। ये हम बॉक्स उठा लेते हैं इससे पहले ये गीला हो जाए। हाँ तो भाई ये देखो अब बिल्कुल साफ हो रहा है हमारा फोन और थोड़ा सा ज़मीन पर पानी मार लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अभी गाइस हम अपने पाइप को बंद कर देते हैं, पानी का पाइप फिट हो चुका है। हमने पानी भी डाल दिया है और अभी हमने इनको इनका पानी भी भर दिया है। अब हमने डाली है फूड और अभी हम इस फूड को खोल लेते हैं जल्दी से। हाँ ये रही हमारी फूड और थोड़ी सी हम डाल देते हैं। चलो आज बेटा फूड खा लो थोड़ी सी और, क्योंकि ये ज़्यादा मछलियाँ हो गई हैं। तो ठीक है गाइस जब इनको हमने फूड डाल दिया अब हम चलते हैं नीचे और नीचे जाके मैं आपको अपना न्यू केज दिखाता हूँ। मेरा हमारा पिंजरा और अभी गाइस इसके नीचे में हम न्यूज़पेपर भी बिछा सकते हैं और कोई प्लास्टिक की शीट भी बिछा सकते हैं। तो गाइस मैं न्यूज़पेपर नहीं बिछाऊंगा इधर, मैं प्लास्टिक की शीट बिछाऊंगा क्योंकि न्यूज़पेपर से ये होगा अगर इनका डब ने पानी गिराया ना तो मेरा न्यूज़पेपर गीला हो जाएगा, फिर उसे साफ़ करना पड़ेगा। तो ये गाइस मतलब छोटा पिंजरा है, इसमें तकरीबन हम डब के 2 पेयर रख सकते हैं फिलहाल। तो गाइस मेरे पास 1 है, फिर इंशाल्लाह हम दूसरा पेयर भी लेकर आ जाएंगे। और अभी तो गाइस इसके नीचे हम रखते हैं फिलहाल, पहले हम कोई प्लास्टिक की शीट रखेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी प्लास्टिक की शीट रख रहा हूँ। तो गाइस मेरे पास एक बोरी पड़ी थी, ख़राब बोरी थी गाइस, उसका मैंने एक छोटा सा पीस बना लिया है। तो अभी गाइस हम इन्हें इसे अंदर रखेंगे और इसे अभी फ़िलहाल इस दरवाज़ा खोल लेते हैं और हम इसे अंदर रखते हैं। इसे गाइस लपेट लेंगे फिर आराम से अंदर चला जाएगा, वरना कैसे खोल के डालेंगे फिर ये नहीं जाएगा। हाँ तो गाइस हमारी इसकी सेटिंग हो चुकी है। अभी गाइस मैं इसके अंदर एक टोकरी मेरे पास तो नहीं है, मैंने गाइस इनके लिए एक ब्रीडिंग बॉक्स बनाया है वो हम लगाएंगे, वो डव के लिए बनाया है। तो फिर अगर दूसरा पेयर हम लाएंगे तो गाइस उनके लिए हम टोकरी लगाएंगे, टोकरी दुकान से मिलती है। मेरे गाइस मैंने एक ब्रीडिंग बॉक्स बनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा गाइस हमारा ब्रीडिंग बॉक्स और यहाँ पर गाइस मैंने पीछे 2 कील लगाए हैं क्योंकि गाइस यहाँ से हम लटकाएंगे और इसके अंदर गाइस ये थोड़ा घास डाल लेंगे और इसे हम ऐसे करके दीवार से लटका देंगे। तो गाइस इसके अंदर ये घास डालेंगे और इसके अंदर अंडे वंडे दे देंगे। तो अगले जो दूसरा गाइस हम पेयर इंशाल्लाह लेकर आएंगे तो गाइस उनके लिए हम ये करेंगे टोकरी लगाएंगे। तो अभी फिलहाल गाइस मैं इसे अंदर लगा देता हूँ, मैं सेटिंग देख लेता हूँ कि कैसे लगी गई। तो इसके अंदर गाइस होल है उसके अंदर हम ये डाल देंगे और ये हमारा आराम से लटक जाएगा। तो हाँ लेवल भी सही है और गाइस बिल्कुल ये हमारा सही लग चुका है। तो अभी गाइस हम इसके अंदर थोड़ा मैं कटोरियाँ देख लूँगा कि इनकी कटोरियाँ हमारी ये वाली है। इसके अंदर गाइस हम फूड डालने वाले हैं और जो एक और कटोरी गाइस मेरे पास कटोरी भी इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं इंशाल्लाह लेकर आऊँगा क्योंकि ये भी टूटी है। दूसरी कटोरी गाइस हम उसमें पानी डाल देंगे क्योंकि अभी गुजारा करना है। तो इंशाल्लाह अगर मार्केट चक्कर लगा तो हम लेकर आ जाएंगे 2 कटोरियाँ ऐसी प्लास्टिक वाली लेकर आएंगे। तो अभी दूसरी कटोरी गाइस काशा लेकर आते हैं फिर इसके अंदर, तो फिलहाल मैं दाना डाल देता हूँ इसे हम अंदर रखते हैं। तो वैसे ये कंगनी और ये कंगनी गाइस हम डाल देते हैं अपने इस डब्बे के अंदर, थोड़ी डालेंगे गाइस ये गिरा देते हैं क्योंकि गाइस ये कबूतरों की तरह चोंच हिला हिला के खाते हैं ना तो फिर नीचे गिर जाती है। तो मैं अभी थोड़ी नॉर्मल डाल रहा हूँ और इसे अब हमने अपने पिंजरे के अंदर रख देते हैं। इसे हम थोड़ा करीब कर रख देंगे गाइस, हम जैसे पिंजरा खोले ना तो हमारी कटोरी हमारे करीब हों, ऐसे नहीं दूर होंगी तो हाथ फैलाते हम जाएँगे ऐसे हमारा पिंजरा बाहर निकले। तो थोड़ी कटोरियाँ करीब रखेंगे और पानी को ऐसा लेकर आगे। तो गाइस ये हमारी पानी कटोरी है। तो गाइस ये पानी में बाद में रखेंगे, पहले गाइस हम स्टिक लगाएंगे फिर ये पानी रखेंगे। गाइस पिंजरा अगर हेवी गया तो हमारा पानी भी गिर सकता है, तो इस पानी को बाद में रखेंगे। सबसे पहले गाइस मैं स्टिक लगा लूँगा इसके अंदर, तो सबसे पहले हम स्टिक लगाते हैं इसके अंदर। तो गाइस ये हमने फिलहाल ये जो स्टिक है गाइस ये गुजारे टाइप रखी है और इसके अंदर गाइस यहाँ पर हम ये कील लगा देंगे जिसकी वजह से गाइस ये रुक जाएगा और हमारा गिरेगा नहीं ये जो हमने स्टिक लगाई है। तो स्टिक गाइस बहुत मुश्किल से लगी है, बहुत मुश्किल से अंदर गई है और सबसे पहले गाइस हम इसे लगा लेते हैं स्टिक को जल्दी से। गाइस हमारा सारा काम हो चुका है और हमने गाइस यहाँ पर स्टिक भी लगा लिया है और हमने दाना रख दिया है, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब हमने जो रखना है वो गाइस पानी है, हम पानी भी इसके अंदर रख देते हैं। ये रहा हमारा पानी, तो रात का वक्त थोड़ा पानी डाला है तो हम अभी हम इसे भी अंदर रख देते हैं।
वैसे इस पिंजरे का फ़ायदा ये, हम इसे उठा के बाहर रख सकते हैं धूप में, क्योंकि चाइना डफ को धूप की ज़रूरत होती है, तो वैसे हम इसे उठा के बाहर भी रख सकते हैं धूप में, ये इसका अच्छा फ़ायदा है। और अभी गैस हम इसके अंदर डव डालते हैं, मैं डव निकाल लेता हूँ। ये रही गैस हमारी डव, और ये नीचे बैठी हुई गैस, हम इसे निकाल लेते हैं, क्योंकि ये जो जावा है इनको थोड़ा मारती है, तो इसलिए गैस ये थोड़ा नीचे बैठे रहते हैं, ऊपर इनको जावा नहीं आने देती। तो जावा के लिए गैस हम क्या नाम है मटकी लेकर आ जाएंगे, तो सबसे पहले गैस हम ये निकाल लेते हैं डव को। तो वैसे अभी हम इसमें से डव पकड़ लेते हैं, एक हमारी ये वाली डव है, तो एक डब गाइस हमने पकड़ ली हमारी, ये डब। और गाइस इसकी जो पीछे वाली पूंछ है वो भी निकली हुई है, ये भी इंशाल्लाह गाइस ऐसे ऐसे करके आ रही है, ये भी आ जाएगी। अब गाइस हम इसे डाल लेते हैं अपने पिंजरे के अंदर। तो गाइस ये हमारा मेल है, अभी हम इसका दरवाज़ा खोल लेते हैं। तो गाइस हम इसका दरवाजा खोल लेंगे और ध्यान से इसके अंदर डाल देंगे डब को। तो गाइस हमारी एक डब तो चली गई है, दूसरी डब को गाइस हम पकड़ लेते हैं। वो ये रही हमारी, कहाँ गई दूसरी डब, कहाँ गई, हाँ वो कोने बैठे, ऐसे हो गई, ये फीमेल है, ये भी हम निकाल लेते हैं जल्दी से। हाँ गाइस ये पकड़ में आ गई है, बड़ी मुश्किल से फीमेल है गाइस, इसको पकड़ लिया है बड़ी मुश्किल के साथ। अभी गाइस हम इसे ही पिंजरे में डाल देते हैं। तो गाइस हम यही दरवाज़ा खोल लेते हैं और इसको प्यार में बस में डाल जा। तो अभी गाइस दोनों हमारी आ चुकी हैं, इंशाल्लाह और भी लेकर आएंगे, अगर डब हुआ तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे। तो गैस अभी यहाँ पर हमने अपनी डब डाल दी है, बिल्कुल ही गैस अभी खुश हैं। तो गैस इनको सुबह मैं बाहर रख दूंगा, कि इनको धूप ही लगेगी। और मैं कुछ दिनों बाद गैस 2-3 दिनों बाद ना यहाँ पर थोड़ा सा घास डाल दूंगा, जिसके अंदर गैस इन्होंने अगर अंडे देने होंगे तो वहाँ जाके रख देंगे घास, और ये अगर इन्होंने अंडे देने होंगे अंडे भी दे देंगे। वैसे इन्होंने थोड़ा पानी गिरा भी दिया, अगर गैस मैं यहाँ पर न्यूज़पेपर रखता ना तो गैस ये अभी तक गीला होता है, उन्हें निकालना पड़ता है, सर्दियाँ ना फिर उनको ठंड भी लग सकती है। अभी ये बात है गैस के ऊपर, ये फिर सूख जाएगा, कोई इशू नहीं इतना बड़ा। तो हमारा गैस सारा काम कंप्लीट हो चुका है, और अभी गैस ये जो हमारे बच्चे हैं कहाँ चले गए लव बर्ड के, तो वैसे ये गायब ही हो जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। हाँ ये पीछे, वो पीछे चले गया, कोई दिखाता हूँ। तो वैसे जैसे मैंने पिंजरे के अंदर ही अपना कैमरा डाला है, और गैस आप देख सकते हैं हमारे जो लव बर्ड है ये मतलब कि हमारी लकड़ी को खाना शुरू हो गए, ये पता नहीं क्यों खा रहे हमारी लकड़ी को। और ये रहेगा ये पीछे छुपे बैठे हैं, ये अभी निकलेंगे तो नजर आएगा, वो देखो ब्रीडिंग बॉक्स हिल रहा है, तो अगर इन्होंने निकलना हुआ निकल जाएंगे। और गैस अभी हम ब्रीडी बॉक्स चेक करते हैं कि इसके अंदर मेल फीमेल अंडे दिए नहीं दिए। माशाल्लाह गैस फर्स्ट अंडा आ चुका है, और अच्छी बात है इन्होंने अंडे दे दिए, पहला अंडा है अभी तक तो। और ये रहे गैस पेरेंट्स, और ये बच्चा आ गया, और गैस पीछे से और बच्चे भी आ जाएंगे, जिनको भी हम यहाँ से अलग कर देंगे, इनको साथ में रहेंगे फ़ायदा नहीं है, इनको भी हम देखेंगे अलग करेंगे यहाँ से। वैसे गैस मैंने इस पिंजरे में सोचा था हम लव बर्ड के बच्चे डालेंगे, मगर गैस मैं नहीं डाल सका, क्योंकि गैस ये जो जावा है ना हमारी, गैस ये हमारी क्या हम इन डव को मार रही थी, इसलिए गैस इनको अलग करना पड़ा। तो इनको देखेंगे, इनके लिए कोई नया केज वेज लेकर आना पड़ेगा फिर इनको, या मेरे पास एक और केज पड़ा है, बड़ा केज की सेटिंग करेंगे, उसके अंदर हम अपने ये बच्चे शिफ्ट कर देंगे, टाइम थोड़ा लगेगा इनको। तो अभी बाकी बच्चे गैस पीछे छुपे हैं, तो हमारे ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करते हैं। तो ओके गाइस ब्लॉग करते हैं यहाँ पर ही एंड। तो गाइस अभी हम इनके लिए हमारी जो क्या नाम है जावा है, तो वह इनके लिए मैं एक ब्रीडिंग बॉक्स लेकर आ जाऊँगा, या फिर मटकी लेकर आ जाएंगे, और इसके अंदर हम थोड़ा सा घास डाल देंगे। तो गाइस ब्लॉग करते हैं यहाँ पर ही एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद है तो लाइक कर देना, और हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।